अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम करंट अफेयर्स के साथ मैं हूं वकार हुसैन। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में बात करेंगे इमरान फारूक कत्ल केस पर, तेज़ी से फैलते कोरोना वायरस के सबब लगने वाले लॉकडाउन के हवाले से, नाजायज़ मुनाफाखोर माफिया पर बात करने के अलावा नुमाया ख़बरों पर तज़िये और तबसरे भी आपके सामने रखे जाएंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे इमरान फारूक कत्ल केस के तफसीली फैसले की। बिलाखिर इमरान फारूक की बेवा की दुआएं रंग ले आईं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने MQM के रहनुमा डॉक्टर इमरान फारूक को कत्ल करने वाले तीनों मुलजिमान को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज शाहरुख अर्जुमन ने डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस का 39 सफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया है। अदालत की जानिब से तफसीली फैसले में कहा गया कि साबित हुआ इमरान फारूक को कत्ल करने का हुक्म बानी मुतहदा ने दिया। MQM लंदन के दो सीनियर रहनुमाओं ने यह हुक्म पाकिस्तान पहुंचाया और फिर MQM के मरकज़ 90 से मौज़म अली ने कत्ल के लिए मोहसिन अली और काशिफ कामरान का इंतखाब किया। दूसरी जानिब इमरान फारूक की बेवा शुमाइला फारूक का कहना है, दो चीज़ें बहुत ताकतवर हैं, सब्र और वक्त। मुझे शुरू से अल्लाह पर यकीन था, जो भी फैसला हुआ बेहतर है। शुमाइला फारूक का कहना था कि अदालती फैसले पर मज़ीद तबसरा नहीं करना चाहती, ज़िंदगी दुख में गुजार रही हूँ, अल्लाह दुश्मन को भी ये वक्त ना दिखाए। आइए इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। MQM पाकिस्तान के कन्वीनियर कंवर नवीद ने इमरान फारूक कत्ल केस के अदालती फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। MQM के मरकज बहादुराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कंवर नवीद जमील ने कहा कि वो लंदन में कत्ल होने वाले MQM के रहनुमा इमरान फारूक के केस में अदालती फैसले को दुरुस्त समझते हैं। मुजरिम को सजा मिलनी चाहिए। केस में MQM पाकिस्तान में से किसी का नाम नहीं और हमें मालूम भी नहीं। इस केस के बारे में मीडिया के जरिए आगाही मिली है। देखिए, अदालत का हम हर फैसले को दुरुस्त समझते हैं और हम ये समझते हैं कि इमरान फारूक भाई के जो वरसा हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए। दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान ने सिंध का बजट मुस्तरद कर दिया और कंवर नवीद ने कहा कि कराची से तासुब बढ़ता जा रहा है, पीपल्स पार्टी को वोट ना देने पर शहरी इलाकों की आवाम से इंतकाम लिया जा रहा है। उनका कहना था कि बजट में शहरी इलाकों के लिए कोई तरक्याती मंसूबा नहीं। 2010-11 में 8.48% ये कराची के 6 डिस्ट्रिक्ट जिसमें लगभग सिंध की आधी आबादी रहती है उसका मैं बता रहा हूँ के बजट में से हिस्सा कितना है। वाज़ेह है कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान फारूक कत्ल केस का फैसला सुनाते हुए केस में नामजद तीनों मुलजिमान को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि साबित हुआ इमरान फारूक को कत्ल करने का हुक्म बानी मुत्तहदा ने दिया। रिपोर्ट आपने देखी। अब बात करते हैं पेट्रोल बहरान के जिम्मेदारों की। वज़ीर आज़म को पेट्रोल बहरान की रिपोर्ट पेश कर दी गई। इमरान खान ने पेट्रोल बहरान में मुलव्वस कंपनियों और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत करते हुए मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार और ज़खीरा शुदा पेट्रोल जबरी तौर पर मार्केट में सप्लाई करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश की जाने वाली रिपोर्ट में पेट्रोल बहरान के जिम्मेदारों का तायुन भी कर दिया गया। ओगरा ने पेट्रोल बहरान की जिम्मेदारी पेट्रोलियम डिवीजन पर आयद कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 9 ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने जानबूझ कर बहरान पैदा किया। DG ऑयल डॉक्टर शफी आफरीदी और पेट्रोलियम डिवीजन अफसरान अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहे। इमरान खान ने कहा, पेट्रोल बहरान किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बहरान में मुलव्वस कंपनियों के लाइसेंस मुअत्तल और मनसूख किए जाए। ज़राए के मुताबिक DG ऑयल डॉक्टर शफीक आफरीदी की सरबराही में 8 रुकनी कमेटी ने पेट्रोल बहरान की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है। ज़राए का बताना है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि 9 ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने जानबूझकर पेट्रोल बहरान पैदा किया। स्टोरेज में पेट्रोल मौजूद होने के बावजूद यकम जून से पेट्रोल की सप्लाई महदूद की गई। ज़राए का कहना है कि इंक्वायरी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पेट्रोल का बहरान पैदा करने के लिए 9 ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने गठजोड़ किया। निजी कंपनियों ने पेट्रोल जखीरा करने के लिए खिलाफ जाब्ता इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर कर रखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हिफाजती मायार पर अमल ना होने के बाइस कोई हादसा रोनुमा हो सकता है। ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी ने पेट्रोल बहरान पैदा करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की है। ज़राए का कहना है कि पेट्रोल बहरान पर तहकीकती कमेटी की रिपोर्ट वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश की जाएगी। ख्याल रहे कि मुल्क में पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद यकम जून से मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल की शदीद किल्लत पैदा हो गई थी। पेट्रोल की सप्लाई न होने के बाइस मुतअद्दिद पेट्रोल पंप्स बंद, जबकि जो खुले
खड़े हुए थे, वहां पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गई थीं। मुल्क में होने वाले पेट्रोल बहरान का नोटिस लेते हुए वजीर पेट्रोलियम उमर अयूब खान से वाकये की रिपोर्ट तलब की थी, जिस पर वजीर पेट्रोलियम उमर अयूब खान ने 72 घंटों में पेट्रोल की सप्लाई नॉर्मल होने का दावा किया था। तहम वफाकी वजीर के दावे के बाद भी मुल्क के कई शहरों में पेट्रोल की किल्लत बरकरार है। अब बात करते हैं स्मार्ट लॉकडाउन की। कराची समेत मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों में 2 हफ्तों के लिए मुकम्मल लॉकडाउन का आगाज़ हो गया। मुख्तलिफ यूनियन काउंसिलों में सख्त लॉकडाउन लगाने के अहकामात भी जारी कर दिए गए। लॉकडाउन 18 जून से 2 जुलाई तक होगा। कराची में लॉकडाउन का नफाज शहर की 41 यूसीज के मुख्तलिफ हॉट स्पॉट्स पर होगा। लॉकडाउन वाले मुकामात पर मास्क का लाजमी इस्तेमाल होगा। आवाम का क्या कहना है, आइए उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। कराची इफ्तिखार शलवानी ने वाज़े अल्फाज में कहा है कि किसी को भी लॉकडाउन वाले इलाकों से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी, लिहाजा मुतासर इलाकों के सरकारी और गैर सरकारी मुलाजमीन लॉकडाउन तक छुट्टियां ले लें। गुज़िश्ता रोज़ कराची के तमाम अज़ला में ज़्यादा कोरोना केसेस वाले इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया गया, जो 2 जुलाई तक जारी रहेगा। लॉकडाउन के तहत गुज़िश्ता शाम 7 बजे से उन इलाकों में गैर ज़रूरी तौर पर घर से निकलने पर पाबंदी आयद हो चुकी है। ज़रूरी काम से निकलने वालों को मास्क लगाना लाजमी होगा, फासला रखना होगा। तजारती सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। अलबत्ता खाने पीने के सामान की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स शाम 7 बजे तक खोले जा सकेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक घर से सिर्फ एक फर्द को सामान की खरीदारी के लिए बाहर जाने की इजाज़त होगी और खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ अदवियात साज इदारों और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कोरोना मरीजों की जान बचाने वाली दवा डेक्सामेथासोन की कीमतों में 100% इजाफा कर दिया है। नाजायज मुनाफाखोरों ने कोरोना मरीजों को लगने वाले इंजेक्शन भी मार्केट से गायब कर दिए हैं। ऐसी सूरत हाल में होलसेल फार्मा ऑर्गेनाइजेशन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अदवियात गायब होने का नोटिस ले और इसमें मुलविस अनासरों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। जबकि वफाकी वजीर असद उमर और शिबली फराज ने मुश्तरक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। असद उमर ने कहा, ऑक्सीजन बेड की तेज़ तर फराहमी यकीनी बनाई जा रही है, SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। इस हवाले से उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। एक्टिमेरा के बाद डेक्सामेथासोन का बगैर नुस्खे इस्तेमाल शुरू होते ही अदबिया साजिदारों और डिस्ट्रीब्यूटर्स की मिली भगत से होलसेल और रिटेल मार्केट में जान बचाने वाली अद्वियात के साथ साथ कोरोना मरीजों को लगने वाले इंजेक्शन एक्टिमेरा और डेक्सामेथासोन की कीमतों में 100 गुना इजाफा हो गया। होलसेल केमिस्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के सदर आतिफ बिलो का कहना है कि कमिश्नर कराची को सूरत हाल से आगाह कर दिया है कि अद्वियात की किल्लत और निरखों के इजाफे के जिम्मेदार होलसेल अद्वियात फरोश नहीं बल्कि अद्वियात कंपनियां और उनके मखसूस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। जुबैर मेमन सदर होलसेल फार्मा ऑर्गेनाइजेशन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कोरोना मरीजों को लगने वाले इंजेक्शन के गायब होने का नोटिस ले, इंजेक्शन ब्लैक करने वाले अनासिर को पकड़ा जाए और इंजेक्शन मेडिसिन मार्केटों को भी सप्लाई की जाए। दूसरी जानब अद्वियात के ताजरों का कहना है कि होलसेल मार्केटों में अद्वियात की कीमतों में किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं किया गया है। कंपनियों ने मार्केटों में अद्वियात की मसनूई किल्लत पैदा करके होलसेलर्स को भी ये अद्वियात पूरी कीमतों में सप्लाई की जा रही है और होलसेलर्स मुकर्रर कीमत पर ही फरोख्त कर रहे हैं। पाकिस्तान एक बहुत बड़े असासे से महरूम हो गया। जी हाँ, बिल्कुल मारूफ टीवी कंपेयर और कई फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाने वाले तारिक अजीज जागती आंखों और सुनते कानों को सोगवार कर गए। मारूफ टीवी कंपेयर और कई फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाने वाले तारिक अजीज के इंतकाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से शदीद दुख और अफसोस का इजहार किया गया है। तारिक अजीज की उम्र 84 बरस थी और वो गुज़िश्ता कुछ अरसे से अलील थे। तारिक अजीज अदीब, शायर और साबिक रुकन कौमी असम्बली भी थे। उन्होंने कई फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। तारिक अजीज को पाकिस्तान टेलीविजन के पहले मर्द अनाउंसर होने का भी एजाज हासिल है। इस हवाले से मुलाहिज़ा कीजिए एक रिपोर्ट।
मारूफ टीवी कॉम्पेयर और कई फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाने वाले तारिक अजीज के इंतकाल पर वजीर आजम इमरान खान की जानिब से शदीद दुख और अफसोस का इजहार किया गया है। तारिक अजीज की उम्र 84 बरस थी और वो गुज़िश्ता कुछ अरसे से अलील थे। तारिक अजीज अदीब, शायर और साबिक रुकन कौमी असम्बली भी थे। उन्होंने कई फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। तारिक अजीज को पाकिस्तान टेलीविजन के पहले मर्द अनाउंसर होने का एजाज हासिल है। मारूफ अदाकार तारिक अजीज PTV के मकबूल प्रोग्राम नीलाम घर के मेजबान थे। तारिक अजीज ने रेडियो पाकिस्तान से अपने करियर का आगाज किया था। उन्हें पाकिस्तान टेलीविजन के पहले एंकर होने का एहसास हासिल है। 1936 में भारतीय शहर जालंधर में आंख खोलने वाले तारिक अजीज कयाम पाकिस्तान के बाद अपने खानदान के हमरा सूबा पंजाब आ गए। उन्होंने साहिबाल में अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की और रेडियो पाकिस्तान लाहौर से अपनी पेशा वाराना जिंदगी का आगाज किया। 1964 में पाकिस्तान टेलीविजन का कयाम अमल में आया तो तारिक अजीज PTV के सबसे पहले मर्द अनाउंसर बने। ताहम उन्हें असल शोहरत PTV के मारूफ गेम शो नीलाम घर से हासिल हुई। वो इस प्रोग्राम की कमोबेश 40 साल तक मेजबानी करते रहे। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तारिक अजीज की खिदमात के सिले में उन्हें 1992 में सदारती तमगा हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। तारिक अजीज ने सियासत के मैदान में भी जोर आजमाई की और 1997 में वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर कौमी असेंबली के रुकन मुंतखब हुए थे। अब बात करते हैं पाकिस्तान की खैर सगाली सफीर मनीषा ने बहरे ओकियानूस के सबसे गहरे मुकाम चैलेंजर डीप पर पाकिस्तानी परचम लहराकर सबके दिल जीत लिए। मनीषा ओब्राइन ने बहरे ओकियानूस के 10,923 मीटर गहरे समंदर में पाकिस्तान का परचम लहराया। खातून ने जिस पॉइंट पर पाकिस्तानी परचम लहराया, अगर हम उसकी गहराई का अंदाज़ा लगाएं तो ये इतनी है कि अगर समंदर के अंदर माउंट एवरेस्ट को डाल दिया जाए तो तब भी वो इस पॉइंट से 2 मीटर दूर होगा। अमरीकी खातून बहरे ओकियानूस के सबसे गहरे हिस्से पर पहुंचने के बाद दुनिया की पहली खातून बन गई हैं जिन्हें ज़मीन के सबसे ऊँचे और निचले हिस्से पर पहुँचने का एजाज़ हासिल है। इस हवाले से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। वेनिसा ओब्राइन ने बहरे ओकियानूस के 10,923 मीटर गहरे समंदर में पाकिस्तान का परचम लहराया। खातून ने जिस पॉइंट पर पाकिस्तानी परचम लहराया, अगर हम उसकी गहराई का अंदाजा लगाएं तो ये इतनी है कि अगर समंदर के अंदर माउंट एवरेस्ट को डाल दिया जाएगा तो तब भी वो इस पॉइंट से 2 मीटर दूर होगा। अमरीकी खातून बहरे ओकियानूस के सबसे गहरे हिस्से पर पहुँचने के बाद दुनिया की वो पहली खातून बन गई है जिन्हें जमीन के सबसे ऊँचे और निचले हिस्से पर पहुँचने का एजाज हासिल है। खातून के मुताबिक समंदर के इस गहरे मुकाम चैलेंजर डीप में जाने का एक मकसद ये भी था कि वो मशरकी समंदरी किनारे का पानी और चट्टान के नमूने साइंसी पैमाइश के लिए लेकर आए। बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर नफीस जिक्रिया ने वेनिसा को मुबारकबाद दी, जो अब पहली खातून है जिन्होंने 2017 में पाकिस्तान की बुलंदतरीन कराक्रम K2 की चोटी सर की थी और अब ये चैलेंजर डीप के मिशन में भी कामयाब हो गयी है। पाकिस्तान की खैर सगाली सफीर वेनिसा को पाकिस्तान का झंडा भी पेश किया गया। प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा है। अगले प्रोग्राम के लिए अपने मेज़बान वकार हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।